तो एक तरफ लगातार उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है, नामों पर मंथन किया जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस में ही इन दिनों अनबन की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच नोकझोंक की यहां पर बातें सामने आ रही है। इन दिनों कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है। आखिर क्या है ये कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन लिस्ट को लेकर कई जगह बवाल हुआ। शिवपुरी से पिछोर से 6 दफे विधायक केपी सिंह को टिकट मिल गया। इस सीट की दावेदारी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी कर रहे थे। जब उनके समर्थक कमलनाथ से मिलने पहुंचे तो सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। शिवपुरी की बात जी, जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूंगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे हो? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदे। केपी सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो वीरेंद्र रघुवंशी को कमलनाथ ने पार्टी में शामिल करवाया था। मंगलवार को कांग्रेस जब अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, तब दिग्विजय ने पहले फॉर्म में दस्तखत की बात उठाई तो कमलनाथ ने मजाक में कहा उन्होंने दिग्विजय को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है ये कमलनाथ कह रहे हैं। अब उनकी खीज है या उनका इरिटेशन है या हार सुनिश्चित हो गई है, तो अब एक दूसरे पर लगा रहे हैं। भैया मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो बंटा ढार दिग्विजय सिंह को सौंप दिया था। तो ये कांग्रेस की स्पष्ट हार आज ही उन्होंने स्वीकार कर ली है। कमलनाथ के एक और बयान पर बीजेपी हमलावर है, जब वो कहते हैं कि छिंदवाड़ा में टिकट का ऐलान पहले नकुलनाथ करेंगे, बाद में दिल्ली से ऐलान होगा। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में है, वो करेंगे वहाँ से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से होगी। अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे और नकुलनाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और दो टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, यह अब जनता जानना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी पर अक्सर तंज करती है कि उसमें कई गुट हैं, शिवराज बीजेपी, नाराज बीजेपी और महाराज बीजेपी, लेकिन शिवपुरी के मुद्दे पर इस बार दांव उल्टा पड़ा है। वैसे अगर आयातित नेताओं को टिकट नहीं मिला तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, न खुदा मिला न विसाले सनम। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, इजहार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।